नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जाक शर्मा और आज अपन करने वाले हैं वो सात चीजें जो कि आपको सबसे पहले करनी चाहिए अपने मैक कंप्यूटर के अंदर। ये जो है वो फीचर्स वाली वीडियो नहीं है और ना ही ये वाली वीडियो जो है वो इस वाले लैपटॉप का रिव्यू है। इस वाले लैपटॉप का रिव्यू और फीचर्स वाली वीडियो जो है वो आगे आएंगी इस वाले चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं कराया। तो ये वाली वीडियो मैं बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि विंडोज से जो है वो मैक ओएस पे शिफ्ट मारते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता जैसा कि मेरा हाल होता है। और टू बी ऑनेस्ट ये वाली वीडियो जो है वो इंटरनेट के ऊपर मिली नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना देता हूं। तो अपन जो है वो सात चीजें देखने वाले हैं जो कि अपने को सबसे पहले इस वाले कंप्यूटर में करने चाहिए। तो हेलो वगैरह के बाद सारी आईडीज वगैरह डालने के बाद आपके सामने जो है वो ये वाली स्क्रीन जो है वो खुलती है। एंड टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा सही लगती है, बिल्कुल मैक ओएस वाली फील जो है वो आ जाती है, बहुत ज्यादा सही लगती है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है इसके अंदर वो ये है कि आपको जो है अपने लैपटॉप की बैटरी जो है वो हमेशा पता पड़नी चाहिए। और आप इसको यहां पर लेके जाते हो अपने माउस को इसकी बैटरी के ऊपर, तो ये बैटरी जो है वो बताता नहीं, जो कि थोड़ी सी अजीब बात है। आपको क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो बैटरी दिखती है। तो यहाँ पे जो है वो इसका एक सॉल्यूशन है, आपको जो है वो यहाँ पर जाना है एप्पल लोगो के ऊपर, यहाँ सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना है। इसके अंदर आपको डॉक एंड मेन्यू बार के अंदर जाके जो है वो नीचे थोड़ा सा स्वाइप करना है, यहाँ पे जो है वो बैटरी आएगी। इस बैटरी के अंदर आप शो परसेंटेज कर दोगे तो फिर यहाँ पर जो है वो आपको परसेंटेज दिखने लग जाएगी अपनी बैटरी की, और आपको जो है वो पता पड़ता रहेगा कि कितनी बैटरी है मेरे लैपटॉप के अंदर और कितनी नहीं है। सेकंड चीज आपको जो करनी चाहिए मेरे हिसाब से वो ये है कि ये डॉक, इस डॉक के अंदर आप जो है वो अपने सारे के सारे इंस्टॉल्ड ऐप्स जो है वो रख सकते हो। सारे ऐप जो है सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना, फोटोशॉप हो गया, फाइनल कट हो गया, जो भी आप से रिलेटेड हो जिसके आपने इस वाले लैपटॉप को खरीदा है या फिर मैक को खरीदा है, तो वो सारे ऐप जो है वो इंस्टॉल करने के बाद आप जो है उसको डॉक में डालोगे। बार बार जो है वो मेन्यू नहीं खोलना चाहते, बार बार जो है वो अपना ये जो भी होता है लॉन्चर इसको नहीं खोलना चाहते, तो फिर आपको जो है वो लगातार जो है वो सारे ऐप सामने के सामने चाहिए। अब ये वाले ऐप जब आप भर देते हो तो सारे आइकन्स जो है वो छोटे हो जाते हैं, तो फिर आप चाहते हो कि ये जो है वो थोड़े से बड़े हों। आप इनके ऊपर माइक ले जाओ, ये अपने माउस ले जाओ, तो ये थोड़े से बड़े हो जाएं और आपको जो है वो नाम वगैरह दिखे, ये अच्छी तरीके से दिखे। तो इसका भी एक फीचर है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे ही रहना है डॉक एंड मेन्यू बार में जाके, यहाँ मैग्निफिकेशन जो है वो आ रहा है इसको जो है वो राइट कर देना। तो फिर अब जैसे ही अपना माउस जो है वो हवर करोगे इनके ऊपर, तो फिर ये जो है वो दिखेंगे आपको थोड़े से हवर होते हो। तो ये वाला इफेक्ट जो है बहुत सही लगता है, थोड़ी सी मैक ओएस वाली फील जो है वो देता है। आप इसके लेवल्स को जो भी सेट कर सकते हो, मैक्स पे जा सकते हो, मिनिमम पे ले जा सकते हो, मैक्सिमम पे ले जाने के बाद ये कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं, तो मैं जो है वो रिकमेंड नहीं करूंगा इसको, तो वो थोड़ा सा कम ही रखना, इतना रखना कि आपको जो है वो थोड़ा सा सही लगे। अगली चीज जो आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से वो है आपको जो है वो यहाँ पे जाना चाहिए एप्पल लोगो के अंदर, यहाँ पे सिस्टम प्रेफरेंस में जाके अपीरियंस के अंदर जाना चाहिए, यहाँ जनरल में जाके जो है वो अपीरियंस आ जाएगी। और यहाँ पे जो है वो डार्क मोड जो है वो सेट कर देना। डार्क मोड सेट करने की वजह से जो है वो काफी ज्यादा फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सबसे पहली बात तो आंखों के अंदर जो है वो स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, लाइट मोड करने से ये सब कुछ जो है वो लाइट दिखता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एप्पल के नए लैपटॉप्स के अंदर आपको जो है वो नॉच भी देखने को मिलती है, तो ये नॉच जो है वो बार बार आपके सामने जो है वो आती रहती है, जो कि वो थोड़ा सा दिमाग वगैरह खराब करती रहेगी। तो अपेरेंटली जब आप ऐप को फुल स्क्रीन में करते हो डार्क मोड के अंदर, तो ये नॉच एक तरीके से गायब सी हो जाती है। इसके साथ ही साथ सबसे मेन चीज जो कि आपको सीखनी है, जो कि आपको करनी ही है, मतलब करनी ही है, वो इन सारे फीचर्स मैंने बताया उनसे भी आपको पहले जो है वो करनी चाहिए, और वो है इसके ट्रैक पैड को समझना। तो इसका ट्रैक पैड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे आपको विंडोज के लैपटॉप जैसा ट्रैक पैड जो है वो देखने को नहीं मिलता है, तो फिर आपको जो है यहाँ पे जाना है सिस्टम प्रेफरेंसेस जाके जो है वो ट्रैक पैड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ट्रैक पैड पे जाके सबसे पहली चीज जो है वो टैप टू क्लिक को ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पे आप टैप करते रहोगे तो क्लिक होएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होएगा, सोच रहे हो कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया, आपको उसको दबाना पड़ता है तब जाके जो है वो क्लिक को रजिस्टर करता है। तो उसको टैप कर देना, टैप टू क्लिक करने से जो है थोड़ी सी विंडोज वाली फील आ जाती है। और फिर उसके बाद आपको जो है वो अगर राइट क्लिक करना होता है, तो फिर यहाँ पर राइट क्लिक का कोई सारी बटन नहीं, आपको दोनों हाथों से जो है वो टैप करना पड़ता है, तब जाके राइट क्लिक वाली मेन्यू जो है वो खुलती है। तो ये सारे के सारे फीचर जो है वो आपको एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसको जो है वो अच्छी तरीके से समझ लेना, दो तीन इन उंगलियों के स्वाइप से जो है वो आप ट्रैक लॉन्च पैड को जो है वो खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, दुनिया भर के फीचर्स जो है वो कर सकते हो। तो इन सब को जो है वो अच्छी तरीके से सीख के मास्टर कर लेना, जैसे कि अगर आप उसको साइड से थोड़ा सा करोगे तो फिर आपको जो है वो नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो दिख जाएंगे आपके, तो ये वाली फीचर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे आपके डे टू डे टास्क के अंदर। तो इन सब को जो है वो अच्छी तरीके से सीख के मेमोराइज कर लेना, तो फिर आपको जो है सो लैपटॉप को चलाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगले फीचर की तरफ बढ़ो, तो फिर यहाँ पे आपको फाइंडर के अंदर ये वाला फीचर जो है वो देखने को मिलता है। फाइंडर के अंदर से जाके अपने सारे के सारे फोल्डर को जो है वो एक्सेस कर सकते हो, और थोड़ा सा माय कंप्यूटर टाइप है ये, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो मेन फोल्डर है उसको जो है वो शॉर्टकट या फेवरेट्स वगैरह में डाल देना, क्योंकि अक्सर जो है वो एयर ड्रॉप एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो रहते हैं, तो इस वाले फोल्डर को तो डाल ही देना जो कि आपका मेन फोल्डर होता है। अब यहां पर आपको मैं ये फीचर जो है वो बता नहीं रहा हूं, आपको व्यू के अंदर जाना है और यहां पर शो पाथ करना है, और इसके साथ ही साथ व्यू में वापस से जाके शो स्टेटस बार करना है। इससे आपको जो है वो सारे आइटम्स उनका साइज वगैरह जो है वो दिख जाएगा, और उसके साथ ही साथ जो है वो पूरा पाथ भी दिख जाएगा
है आपको कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो जाना है। तो ये वाली चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अपने विंडोज यूजर्स को इसकी जो है वो आदत होती है कि ऊपर सारे के सारे पाथ वगैरह आ जाते हैं, बट मैकOS के अंदर सबको जो है वो मिनिमल रखने की वजह से जो है वो छुपा के रख रखा है, तो सबको जो है वो बाहर लाना पड़ता है। इसके साथ साथ मैं लास्ट फीचर की बात करूँ तो वो ये है कि अपने आईफोन को अपने मैकOS से जो है वो कनेक्ट कर लो वायर से। सबसे पहले एक बार अपने आईफोन को जो है वायर से कनेक्ट कर दिया तो फिर यहाँ फाइंडर के अंदर आपको साइड में जो है वो आपका फोन जो है वो दिख जाएगा। यहाँ पे जाके जो है अपने फोन को जो है वो एक्सेस कर सकते हो। अब ये जो है आप बार बार वायर तो कनेक्ट करने नहीं वाले और आपको अपने सारे के सारे डेटा वगैरह जो है वो चाहिए होता है ऑन द गो, तो फिर आप थोड़ा सा नीचे स्वाइप करोगे तो फिर यहाँ पे जो है वो शो दिस आईफोन ऑन वाईफाई जो है वो आएगा। इस वाले फीचर को जो है वो टिक मार्क करके ऑन कर देना तो उसकी वजह से आपका फोन जो है वो हमेशा वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा, तो फिर आप जो है वो इसको एक्सेस कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाई, लाइक करो इस वाली वीडियो को, शेयर करो उन लोगों से जिन्होंने अभी अभी जो है वो मैकOS खरीदा है, मैक का लैपटॉप खरीदा है, मैक का कंप्यूटर खरीदा, कुछ भी खरीदा है, तो उनको जो है वो यार ये चीज़ें करने के लिए जो है वो रिकमेंड करूँ, खास करके अगर वो लोग जो है वो विंडोज से मैक पर जो है गए हैं, तो ये वाली वीडियो जो है वो उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाई, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ, जय हिंद। मेरा नाम है जाओ शर्मा।